अमूमन बच्चों की हट को लेकर पेरेंट्स हमेशा परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर बच्चे की हट सही दिशा में हुई तो ये हट उसके भविष्य को संवार सकती है। ऐसा ही कुछ वाक्य है शहर के एक चित्रकार का, जिन्होंने चित्रकारी सीखने की हट की और आज उसी हट ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक की पहचान दे दी। देखिए कमल वसीटा और चंदन सिंह देवड़ा की ये रिपोर्ट। कहा जाता है कि कला ईश्वर का वरदान होती है, लेकिन इस वरदान को पाने के लिए कलाकार हो या फिर चित्रकार, उसे त्याग, मेहनत और लगन से उपासना करनी पड़ती है। शहर के अंबा माता क्षेत्र में रहने वाले ओम प्रकाश बिजोलिया ने भी चित्रकारी की उपासना बचपन से ही शुरू कर दी और आज उनकी चित्रकला के कद्रदान देश विदेशों तक है। बिजोलिया ने 5 वर्ष की उम्र में ही बाल मन की कल्पनाओं को कैनवास पर उतारना शुरू कर दिया। बिजोलिया के पिता भी रेखांकन चित्रकारी करते थे। बच्चे की चित्रकार बनने की हट देखते हुए उन्होंने बिजोलिया को हर संभव मदद की। बिजोलिया कला की विभिन्न शैलियों के चित्र बनाते हैं, जिसमें लघु चित्र शैली, तेल चित्र, व्यक्ति चित्र में मेवाड़, कांगड़ा, मुगल, देवगढ़, बूंदी, किशनगढ़ के परिप्रेक्ष्य को खासा समाहित किया है। बिजोलिया के बनाए ग्रामीण परिवेश के चित्र, राजा महाराजाओं के चित्र, महलों सहित धर्म संस्कृति से जुड़े चित्रों को देख हर कोई इनकी ओर बरबस आकर्षित हो जाता है। कला के कद्रदान कीमत की ओर नहीं देखते। इसी का परिणाम है कि बिजोलिया की कई चित्र लाखों रुपए में बिके हैं। लगातार 4 वर्षों से शिल्पग्राम में एग्जीबिशन लगाने वाले बिजोलिया कला के क्षेत्र में कई स्कोप बताते हैं। उनका कहना है कि वर्तमान में चित्रकला के कद्रदान विदेशों के साथ देश में भी बढ़े हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स पहले विदेशों में ज़्यादा जाती थी, विदेशी लोगों पे ही निर्भर था ये पूरा बिजनेस। पर अब कुछ 5-10 सालों से विगत भारत में भी अच्छे लोग, बड़े लोग जो ये पेंटिंग है अच्छी कीमत दे के, विदेशी लोगों से भी ज़्यादा कीमत इंडियन लोग दे के खरीदते हैं इनको। कल्पनाओं को कैनवास पर उकेरने वाले बिजोलिया कई बार सम्मानित भी हुए। वर्ष 2008 में इन्हें कालिदास अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। लघु चित्र शैली में महारत हासिल करने के साथ बिजोलिया को दुर्लभ कलाकृतियों का संग्रह करने और काल क्रम से नष्ट होने के कगार पर खड़े चित्रों का जीर्णोद्धार करने का शौक भी है। बिजोलिया ने चित्रकारी के साथ चित्रकला से जुड़ी कई पुरानी चीजों का संग्रह अपने घर में कर रखा है। इन सभी वस्तुओं के संकलन के पीछे उन्होंने भारतीय संस्कृति और धरोहर को सुरक्षित रखने की मंशा जताई है। मेरे को आर्ट का शौक है। आर्ट से संबंधित जो भी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ हो, चाहे कपड़े में हो, चाहे ज्वेलरी में हो, चाहे कोई भी आर्टिकल होता है, वो मेरे को पसंद आता है तो मैं परचेज कर लेता हूँ, खरीद लेता हूँ उसको जी। और ये भी रहता है, मैं ये अपने एक संस्कृति की धरोहर है तो ये अपने पास रहनी चाहिए, तो मैं बेचता भी बहुत कम हूँ, खरीदता हूँ शौक से तो कुछ, और एक इन्वेस्टमेंट भी है एक तरह से देखा जाए तो। कल्पनाओं को सजीव चित्रण देने के साथ चित्रकार अपनी भावनाओं को कैनवास पर प्रदर्शित करता है। अपने आसपास की हलचल और गतिविधियां चित्रकार को कूची उठाने को प्रेरित करती है, तभी तो वर्तमान समय में मौजूद पुराने चित्र खुद ब खुद इतिहास बयां कर देते हैं और यही इतिहास हमें वर्तमान में भविष्य की राह बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करती है।